हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई गप्पी फिशेज है, क्या वो अपने फ्राइज को खा लेती है, या फिर मैं अगर अपने टैंक में कोई गप्पी फिशेज वगैरह रखता हूँ तो क्यों एक गप्पी फिश जो था वो सारे अपने फ्राइज को खा लेती है, मार देती है। ऐसा आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आता है कि क्या एक गप्पी फिश अपने फ्राइज को खा लेती है या फिर मार देती है। बर्थ के बाद में हम लोग अपनी मदर गप्पी फिश को या कोई भी गप्पी फिशेज जो अडल्ट गप्पी फिशेज है उसको फ्राई से दूर कर देना चाहिए, क्या वो फ्राइज को मार सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स है, बिलीव मी बहुत सारा आप लोगों का कमेंट्स है कि क्या हम लोग को अपनी बेबी गप्पी फिश को अपनी मदर गप्पी फिश के साथ रखना है, कम्युनिटी टैंक में रखना है। बहुत लोगों का क्या होता है, बड़ा एक कम्युनिटी टैंक रहता है गप्पी फिश का, उसी में वो लोग सोचते हैं कि क्या मैं उसी में उसको रख सकता हूँ। ऐसा आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स है, सारे कुछ को मैं बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसलिए आज का जो भी वीडियो उसको पूरा देखिएगा, डेफिनेटली पूरा अगर आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारा डाउट्स जो भी है सारा डाउट्स क्लियर होगा। उसके साथ ही साथ वीडियो के एंड तक में आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, इसलिए मेरा आज का जो भी वीडियो उसको पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक गप्पी फिश के बारे में। गप्पी फिश एक बहुत ही कॉमन सा फिश है, ये आपको कोई भी फिश शॉप में अगर आप जाइएगा वहाँ पर आपको ये गप्पी फिश देखने को ज़रूर ही मिलेगा। और ये जो गप्पी फिश होता है इसका बहुत सारा वेराइटीज, बहुत सारा कलर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल गप्पी फिश आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारा गप्पी फिश का ब्रीडिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है। हम लोग हमेशा ही जब भी कोई फिश को बाय करके लेके आते हैं हम लोग हमेशा दिल में आता है इसको एक बार चलो ब्रीडिंग करके देखते हैं। तो वैसे ही हम लोग गप्पी फिश का भी हम लोग जैसे जानते हैं ब्रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो जब हम लोग गप्पी फिश को बाय करके लेके आते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रोसेस होने के बाद कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे बहुत सारा फ्राइज को बर्थ देती है। अब ये सारा फ्राइज धीरे धीरे कम कैसे होते जा रहा है, बहुत लोग अपने क्या करते हैं कम्युनिटी टैंक में अपनी गप्पी फिशेस को डाल देते हैं उसके साथ उसके सारे फ्राइज को भी वहीं पर छोड़ देते हैं। वो लोग सोचते हैं मदर गप्पी फिश जो है वो अपने फ्राइज का टेक केयर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मदर गप्पी फिश या फिर कोई भी गप्पी फिश क्यों ना हो वो कभी भी अपने फ्राइज का टेक केयर नहीं करेगी। अगर वो गप्पी फिश मदर गप्पी फिश अगर बर्थ दे देती है तो बर्थ के बाद में अब उसका उस बेबी गप्पी फिश से कोई भी लेना देना नहीं है। बेबी गप्पी फिश को अपने ही सर्वाइव करना पड़ता है, अपने ही फूड्स को सर्च करना पड़ता है, अपना सेफ्टी अपने हाथ में है उसका। इसलिए अगर आप गप्पी फिश अपने टैंक में रखे हैं तो कभी भी आप कम्युनिटी टैंक में ब्रीडिंग वगैरह मत कीजिएगा। ब्रीडिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कोई अगर आप ब्रीडिंग पेयर लेके आए जैसे वो ब्रीड कर लेता है, ब्रीड करने के बाद जो भी आपका मदर गप्पी फिश है उसको आप आइसोलेट कर लीजिए अलग एक टैंक में, अकेला टैंक में उसको डाल दीजिए। वहाँ पर वो जैसे ही सारा बर्थ दे देगी उसके बाद उस मदर गप्पी फिश को फिर से वापस अपने कम्युनिटी टैंक में डाल दीजिएगा। तो ऐसे करके ये ब्रीडिंग जो है ये सही से आपको करना है, ऐसा नहीं करना है कि कम्युनिटी टैंक में छोड़ देना है। वैसा करेंगे तो धीरे 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 करके जितनी भी बड़ी गप्पी फिशेज है वो सारा चेस करके खा लेगी। बहुत ही कॉमन होता है, एक छोटी फिश जो होती है वो हमेशा एक बड़ी फिश का ही फूड बनती है, बड़ी फिश हमेशा छोटी फिश को खाती है। इसलिए कभी भी बड़ी फिशेस के साथ छोटी फिशेस मत रखिएगा। ऐसा कई बार फिशेस का बिहेवियर भी हो जाता है जिसके वजह से वो लोग अपना बेबीज को अपने खाने लगती है। इसलिए भी मैं आप लोगों को बार बार यही सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके पास बेबीज़ है, बहुत सारी बेबीज़ है, गप्पी फिशेस का बेबीज़ है, तो वो सारे को आइसोलेट कर लीजिए दूसरे जगह में, उसका सही से टेक केयर कीजिए, वहाँ पर उसको टाइम टू टाइम फीड दीजिए, उसका सारा जितना भी नीड्स है सारा को फुलफिल कीजिए, लेकिन कम्युनिटी टैंक में नहीं करना है। कई बार ऐसा भी होता है गप्पी फिश अपनी बेबीज़ को नहीं खाती है, मेरे पास भी आप जैसे बहुत सारा वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, मेरी बहुत सारी फिशेज ऐसा भी है जो लोग खा लेती है, लेकिन कुछ कुछ गप्पी फिश ऐसा भी होती है वो लोग नहीं खाती है। तो वैसा आप कोई भी फिश को देख के तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या वो खा सकती है अपनी फ्राइज को या फिर नहीं खा सकती है। कोई कोई फिशेज लोग ऐसा करती है, कोई कोई फिशेज लोग ऐसा नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट है आप लोग को उतना कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का सजेस्ट करूँ सबको अलग कर दीजिए, रिस्क क्यों लेना है, अगर आप लेंगे तो मे भी हो सकता है वो खा ले। कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे जितना सारा का मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ मेरे व्यूअर्स लोग का, वो लोग क्या करते हैं वो लोग एक बहुत ही छोटे से टैंक में रखते हैं। अगर छोटा टैंक रहेगा जहाँ पर गप्पी फिश बहुत ही इजीली चेस करके अपना बेबीज को खा सकती है, तो वैसे टाइम में भी वो अपने सारे बेबीज को चेस कर करके खा लेगी।
इसलिए अगर आपके पास एक छोटा टैंक है, 1 फीट का टैंक है, 2 फीट का टैंक है, तो वैसे टैंक में भी हो सकता है गप्पे फिश अपने बेबीज को चेस करके खा ले। अब इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस रहेगा आपके टैंक में, उतना ही ज़्यादा आपकी जो भी गप्पे फिश है वो सेफ रहेगी। ऐसा क्यों? जैसे ही बर्थ देती है अगर आपकी मदर गप्पे फिश, तो वो सारा बेबीज लोग क्या होगा, वो सारा हाइडिंग प्लेसेस में छुप जाएगा, और उसके बाद वो वहीं पर छुप के रहेगा। अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत एल्गीज वगैरह है तो वो सारा एल्गीज को वो खाएगा, और उस टाइम पे जैसे आप देख लेते हैं कि टैंक में बहुत सारा बेबीज हो चुका है, तुरंत ही उस मदर गप्पे फिश को आप वहाँ से सेपरेट कर लीजिए। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हैं अगर आपको छोटा टैंक में ब्रीडिंग करना है तो। लेकिन आपको बस यही चीज़ ध्यान रखना है, मदर गप्पे फिश को अगर छोटा टैंक है तो उससे आपको सेपरेट कर देना। लेकिन वही अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है, 3 फीट का टैंक है, 4 फीट का टैंक है, या फिर कोई बड़ा एक फिश पॉन्ड है, तो वहाँ पर आप उसको छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको स्विम करने का बहुत ज़्यादा एरिया मिलेगा, वो कहीं ना कहीं हाइड कर पाएगी। गप्पे फिश भी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेस करके बेबीज़ को नहीं खाती है, तो वो अगर उस बड़े स्पेस में रहेगा तो तेज़ी से स्विम करके अपनी मदर गप्पे फिश या कोई भी बड़ी फिश से वो बच पाएगी। इसलिए अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है, बड़ा पॉन्ड है, तब उसमें वैसे ही रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक छोटा टैंक है तो उसमें आपको बेबीज़ को मदर गप्पे फिश से सेपरेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसा नहीं करने से डेफिनेटली हो सकता है धीरे 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 करके आपकी जितनी भी बेबीज़ हैं वो सारा आप देखिएगा कम होते जाएगी। ऐसा भी बहुत कॉमन है, मेरे इतने सारे व्यूअर्स हैं जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किए हुए हैं, वो लोग का मैं वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, सब में यही सेम मिस्टेक होता है। कई लोग ऐसा भी करते हैं, छोटे से जग में सारा फ्राइज़ को सेपरेट कर देते हैं, ये भी एकदम ही गलत है। एक गप्पे फिश का फ्राइज छोटे से जग वगैरह में एकदम भी नहीं रह सकती, इसलिए कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। ये गलती तो कभी भी मत कीजिएगा कि छोटे से जग वगैरह में अपने गप्पे फिशेस को डाल दिए, ये एकदम ही गलत है। एक गप्पे फिश को भी मिनिमम 2 फीट का टैंक तो चाहिए ही होता है अच्छे से हेल्दी तरीके से स्विम करने के लिए, हेल्दी तरीके से रहने के लिए। प्लीज़ मैं आप लोगों को बार बार बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग कभी भी अपने गप्पे फिश को या फिर फ्राइज़ को छोटे से जग में, बकेट में, ये सारा चीज़ में एकदम भी मत रखिएगा। आप लोगों को एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, गप्पे फिश उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, तो इसलिए अगर आप जग वगैरह में रखेंगे या फिर बकेट वगैरह में रखेंगे तो उसमें एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जग में तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप बकेट वगैरह में रख रहे हैं कुछ दिन का इमरजेंसी के लिए, तो आपको उसमें एयर पंप को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना एयर पंप का अपने गप्पे फिश को या फिर फ्राइज को एकदम भी मत रखिएगा, क्योंकि वो लोग ब्रीथ कैसे करेंगे? ब्रीथ करने के लिए वो लोग को तो ऑक्सीजन चाहिए होगा ना, तो वो लोग को पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए जो कि आपका प्रोवाइड करता है आपका एयर पंप। सो फ्रेंड्स, गप्पे फिश से रिलेटेड मेरा पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है, वो सारा वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे कि गप्पे फिश का बर्थ देने वाली है, गप्पे फिश का फ्राइज़ का टेक केयर कैसे कर सकते हैं, गप्पे फिश का ब्रीडिंग पेयर क्या है, कि कैसे हम लोग एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर बाय कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा मेरा कमेंट्स है। अगर आपको ब्रीडिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप वो सारा वीडियोस को भी दे सकते हैं, उसका बहुत सारा मेरा प्लेलिस्ट वगैरह भी है, तो मेरे चैनल पे जाके वो सारा प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ वीडियोज़ वगैरह वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मेरा वीडियोज़ पूरा देखते हैं लेकिन मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों हर कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाना, उसको एडिट करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है, इसलिए प्लीज़ मेरा आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विथ मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।